तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अभी तक कल की मूवी तो आपने देख ही ली होगी। अगर देख लिया तो भाई साहब नीचे कमेंट बॉक्स और अपना एक्सपीरियंस जरूर बता के जाना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को लेकर। आज बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत सी ऐसी बातें हम कर चुके हैं लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा पार्ट नहीं दिखाया गया है लेकिन इस चीज़ पे भाई साहब सेकंड पार्ट पे पूरा हल्ला होने वाला है मूवी का। लेकिन प्रोजेक्ट के क्या है भाई, बहुत कंफ्यूज करके जा रहा है। प्रोजेक्ट कली है, प्रोजेक्ट कल्की है, या फिर एक जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँ प्रोजेक्ट कृष्णा है, क्योंकि कली और कल्की का नाम तो लगातार इस मूवी में चल ही रहा है लेकिन प्रोजेक्ट कृष्णा हाउ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे सुप्रीम यास्किन के बारे में, जो इविल कैरेक्टर दिखाया जा रहा है जिसने पृथ्वी से वो सारे रिसोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लिया है और एक स्मार्ट सिटी में उसे कन्वर्ट कर दिया है। जितनी भी चीज़ें हैं, सारा पानी, अच्छी हवा, अच्छी हरियाली, सब कुछ वो स्मार्ट सिटी में देखने को मिल रही है। जो हो सकता है इंसानों को वो वैल्यू समझाना चाह रहा हो, क्योंकि उसने 200 साल का पुराना ये आदमी हो चुका है और यहाँ तक आते आते उसने ऐसे ऐसे मंजर देख लिए हैं कि जो ये रिसोर्सेस हैं, जो ये नेचुरैलिटी है, इसकी इंसानों को कोई इतनी कदर है नहीं। बस उन्हें बस यूज कर रहे हैं बट उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन उसकी वैल्यू जब वो स्मार्ट सिटी में उन सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर रहा है तब जाके इंसानों को वैल्यू देखने को मिल रही है, उनको वो वैल्यू समझ में आ रही है। जो सुप्रीम यास्किन एक हद तक के लिए सोच रहा होगा, जो उस अपनी सोच पे खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक प्राइस को सेट कर रहा है उस स्मार्ट सिटी में एंटर करने के लिए 1 लाख यूनिट या फिर 10,000 यूनिट या 10,00,000 यूनिट, आई डोंट नो, मुझे इतना क्लियर नहीं है। नीचे आपको पता हो तो जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर। तो वो एक प्राइस सेट करके रखा है कि यस, इसके बाद जितनी भी ये प्राइस है जो इसको पे कर सकता है वो इन सारी चीज़ों का मजा लूट सकता है। और स्टार्टिंग में हमें एक लैब के अंदर प्रोजेक्ट के जो चल रहा है वो सब दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनको अच्छी खासी केयर मिल रही है, टाइम टू टाइम वो सारे रिसोर्सेस मिल रहे हैं जो उनको देना चाहिए, उनको फीड करा जा रहा है, वो सारे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। देन उसके बाद दिखाया जाता है कि भाई साहब जहाँ पर मृणाल ठाकुर की एंट्री हुई थी, वो जो फर्स्ट कैमियो था, और उसके साथ ही दिखाया जाता है कि वो एक प्रेग्नेंट औरत है जो 100 डेज के आसपास ही है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई भी औरत वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रही है। क्या दिखाया जाता है कि उसे एक मशीन में डाला जाता है, वहाँ से उसके एक सीरम को मशीन के द्वारा ही कैरी आउट करा जाता है। देन उसके बाद मशीन वो इंस्पेक्शन करती है, वो जांच पड़ताल करती है कि ये कैपेबल है क्या, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है ये वही चीज़ है क्या, अगर नहीं है तो वो तुरंत ही उस औरत को, प्रेग्नेंट औरत को, और इसके साथ बहुत सी औरतों को भी जो यूजफुल नहीं है, उन्हें तुरंत ही आग के गड्ढे में डालने हैं और नष्ट कर दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें एक तरफ चल रही हैं, फर्टाइल औरतों की उन्हें ज़रूरत है जो हमें सारे कोने कोने से, पृथ्वी के सारे कोने कोने से वो ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए 10,000 यूनिट प्राइस पे करा जा रहा है अगर आप किसी भी फर्टाइल लड़की को लेके आते हैं या औरत को लेके आते हैं, जिनसे वो उन्हें लैब में डालेंगे, उन्हें प्रेग्नेंट करेंगे और अपना प्रोजेक्ट के जो उनका चल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट के अगर बात यही है तो प्रोजेक्ट कली से ही स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट के में इन माय प्रिडिक्शन, क्योंकि बीच का ही ये पार्ट दिखाया गया है जिसका फुल इंट्रोडक्शन हमें सेकंड पार्ट में मिलने वाला है, कि ये सारी चीज़ें आखिर हुई कैसे, ये सारी चीज़ें आखिर फॉर्म कैसे हुई हैं, ये नई स्मार्ट सिटी बनाने का तरीका कहाँ से आया है अपने सुप्रीम यास्किन के पास, और ये क्यों कर रहा है, ये लैब में ये सारी औरतों को प्रेग्नेंट करके देन उसके बाद उसके सीरम को कैरी आउट कर रहा है और वो खुद की बॉडी में इंजेक्ट करना चाहता है। देखो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर कि सुप्रीम यास्किन यहाँ तक ये समझ चुका है कि जो ह्यूमन बॉडी है भाई साहब वो एक टाइम के बाद ढलने लग जाएगी और वो सब हमें देखने को भी मिल रहा है। वो उसके पूरे सूखी सागी बॉडी है लेकिन उसकी जो भी विल पावर है या फिर जो उसकी इनर शक्ति है वो स्ट्रांग है, वो वैसे ही रहनी चाहती है और वो अपने शरीर को भी वैसा ही बनाना चाहता है, एक बार के लिए अमर कह सकते हैं कि वो अमर बनना चाहता है। यस, तो प्रोजेक्ट कली में क्या हो सकता है कि उसके पास यस वो सीड है जिससे वो सारे क्या कहते हैं हम औरतों को प्रेग्नेंट कर रहा है, लेकिन वो सीड किसका हो सकता है, खुद सुप्रीम यास्किन का हो सकता है। एक बार के लिए प्रेडिक्ट करते हैं यस हो सकता है, क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है और वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। देन उसके बाद वो सीड में इतनी पावर है कि भी कोई भी नॉर्मल वुमेन है जो उसे कैरी नहीं कर पा रही है, मोर देन 100 डेज के आसपास ही आते आते वो खत्म हो जा रही है। जो मशीन डिनाई कर रही है, इंस्पेक्ट कर रही है, यानी इंस्पेक्शन कर रही है, और तुरंत ही जब वो पता लगा रही है कि भाई साहब ये उतना कैपेबल नहीं है, जो चीज़ हमें चाहिए वो ये नहीं है, देन उसके बाद वो उसे थ्रो आउट कर दे रही है आग के गड्ढे में। लेकिन इसके पीछे सेंस ये नहीं बनाता है कि भाई साहब सुप्रीम यास्किन के सीड से भगवान का जन्म हो रहा है, दीपिका पादुकोण के जो पेट में है, जो खुद एक कैपेबल औरत है जिसने 150 दिन हो चुके हैं उसे कैरी करने में, उस सीड को, उस बच्चे को,
क्योंकि यहाँ तक कोई भी 100 डेज से ज्यादा कैरी नहीं कर पा रहा है। तो सुप्रीम यास्किन से भाई भगवान का जन्म होना ये थोड़ा सा सेंस नहीं बना रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट के यानी प्रोजेक्ट कल की, प्रोजेक्ट कल की भी हो सकता है यस, क्योंकि सुप्रीम यास्किन को पता है कि ये घड़ी आने वाली है। कलयुग में भाई साहब 10वें अवतार अपने भगवान के जन्म लेने वाले हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहता है कि यस अगर मुझे और भी ज़्यादा इस चीज़ के लिए मतलब उसे फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसने इस हिस्ट्री भी देख रखी है कि हर युग में एक अवतार आया ही आया है। जो भी खुद को ऐसा कंट्रोलर समझता है लाइक रावण, लाइक कंस, लाइक हिरण्यकश्यप, जो भी खुद को ऐसा कंट्रोलर समझता है अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। और सुप्रीम यास्किन को पता है कि एक बार के लिए जाकर अगर मैं ये सारी चीज़ें खुद प्रॉमिस करूँगा कि यस मैं ही भगवान हूँ मुझे पूजो, तो ये चीज़ होगी, ज़रूर होगी और लास्ट में ऐसा होगा। तो उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि यस अगर 10वां अवतार आएगा तो वो मेरी मर्जी से आना चाहिए, मैं उस सीट से भगवान का जो जन्म होने वाला है मैं अपनी ही लैब में फॉर्म करूँगा। और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, लाइक दीपिका पादुकोण का जो केस हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे ही उससे एक सीरम निकाला जाता है, एक ड्रॉप ही इनफ होती है सुप्रीम यास्किन के बॉडी में फुल फॉर्मेशन के लिए। वो पावरफुल हो जाता है, उसकी बॉडी बिल्कुल डिंडोल दमदार हो जाता है और वो इतना कैपेबल हो जाता है कि जो अर्जुन का गांडीव है उसे उठा लेता है। जिसकी प्रोफेसी है, जिसके बारे में हिस्ट्री ये है कि भाई वो गांडीव कोई भी नॉर्मल ह्यूमन नहीं पकड़ सकता है, वो पकड़ेगा तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा, कोई भी मशीन हो मतलब कोई भी नहीं, जिसके अंदर भगवान का अंश है या फिर वो खुद भगवान है वही, या फिर ऐसी कोई पावर है जो उससे मिलती जुलती है, तभी वो गांडीव अलाउ करेगा खुद को पकड़ने के लिए। और लास्ट में सुप्रीम यास्किन उसे पकड़ लेता है और जो सीरम वो खुद के बॉडी में इंजेक्ट करता है वो भगवान का ही अंश होता है। तो गांडीव यहाँ पर कन्फ्यूज होगा कि यस ये वैसी कुछ पावर है, दैट्स वाई कि वो अलाउ करता है। लास्ट एंड फाइनल की प्रोजेक्ट कृष्णा कैसे हो सकता है, वैसा प्रोजेक्ट कृष्णा इस वजह से हो सकता है क्योंकि सुप्रीम यास्किन को पता है कि विष्णु का 10वां अवतार ही कल्कि होने वाला है और प्रोजेक्ट और कृष्णा के बारे में पता ही है कि वो फाइन अवतार है ही है भगवान का, तो उसे कहीं ना कहीं से भाई साहब कृष्णा का ही वो सीड मिल गया हो जिससे वो उस सीड को और भी ज़्यादा सारी वुमेन्स पर इंजेक्ट कर रहा हो ताकि कल्कि भगवान का जो अवतार है वो उसे फॉर्म कर जाए और वो लास्ट में सफल भी हो जाता है। उस सीट के थ्रू दीपिका पादुकोण जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, लगभग 150 दिन उसको हो चुके हैं और वही एक औरत है जो कैपेबल है उस प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए। देन उसके बाद वो सीरम वहाँ से निकाला जाता है, एक ड्रॉप ही मिलता है और कल्कि उसे वो सुप्रीम यास्किन उसे अपने बॉडी पे इंजेक्ट करता है और पावरफुल हो जाता है। तो भाई साहब ये सारी तीनों थ्योरी मेरी तरफ से बन रही थी जो मुझे लगा यस शेयर करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या ये कहानी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, वो तो सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कहानी होने क्या वाली है। दूसरा सेकंड पार्ट में अधिकतर सुप्रीम यास्किन को ही फोकस करा जाएगा कि उसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, ये सारी चीज़ें आखिर उसके दिमाग में आई कैसे, ये जो क्यों, क्योंकि ये बीच का पार्ट है और ये रिवोल्यूशन इस हद तक कैसे पहुंच गया कि भाई क्योंकि धरती तो हरियाली से भरी हुई थी लेकिन लास्ट शहर काशी बचा है, ये क्यों बोला जा रहा है और दुनिया के सभी लोग भाई वहाँ पर आके उस स्मार्ट सिटी में आके बस चुके हैं, बस जो बहुत पुअर लोग हैं जो कीड़े मकौड़ों की ज़िंदगी जी रहे वो काशी में है। लेकिन दूसरी तरफ संभाला भी है, संभाला डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में प्रोफेसी ये हुई है कि संभाला में जाकर अपने भगवान कल्कि का जन्म होगा जो 10वां अवतार है वहाँ पर, और वो दीपिका पादुकोण वहाँ पहुँच जाती है लेकिन कर्ण भैरवा उसे लेकर आ जाता है, पर दिखाया नहीं गया है कि वो उससे संभाला से लेके आ ही जाता है। तो सेकंड पार्ट में भाई साहब बहुत कुछ होने वाला है, सुप्रीम यास्किन का अलग बहुत कुछ रौद्र रूप दिखाया जाएगा कि उसका आखिर ये फॉर्मेशन कहाँ से हुई है और वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे है, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी वो 200 साल जिंदा है, 200 साल की उम्र तक अभी तक जिंदा है और उसके अंदर यस कुछ पावर्स भी हैं, वो जो लाल रंग की पावर उसके शरीर पर देखने को मिल रही है, जो क्रैक हमें देखने को मिल रहा है, तो यस पहले से भी पावर है और उसके हाथ अब गांडीव आ चुका है। तो देखते हैं भाई सेकंड पार्ट में और क्या होता है, आपके हिसाब से और क्या थ्योरी एंड प्रिडिक्शंस एंड क्यों कहानी हो सकती है, नीचे कमेंट बॉक्स पर हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना। बाकी यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।